ओके सो ना लेटमी ब्रिंग माई प्रेजेंटेशन ओवर हेयर ठीक है वेलकम एवरी वन इन दिस कोर्स चेक पॉइंट के कोर्स में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आने वाले वीक से आज हम सॉर्ट ऑफ लेक्चर वन डिस्कस करेंगे या आप ये कह सकते हो वेबिनार हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं मैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अप्रोक्सीमेटली हर किसी स्टूडेंट के माइंड में रहता है मैं उन सारे क्वेश्चन को भी लेने वाला हूँ एज अ डाउट ठीक है तो अगर जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई अदर क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप इस सेशन के एंड में मैं आपको टाइम दूंगा आप उस टाइम पे मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है तो अभी के लिए मैं सबको म्यूट करता हूं बिकॉज uh, बहुत सारा नॉलेज आ रहा है बैकग्राउंड में और राइट right. <coughs> सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन ऑफ द चेक पॉइंट दिस इज अस ये हमारा एक चेक पॉइंट का बॉक्स है जिसमें आपको ये मल्टीपल पोर्ट्स दिख रहे हैं जो लैंड पोर्ट्स हैं ये फाइबर पोर्ट्स है यहाँ पे आपके ये यूएसबी पोर्ट्स है एंड ये कंसोल पोर्ट आपको दिख रहा है ठीक है उसके अलावा कुछ यहाँ पे एलईडी पोर्ट्स है एंड एक ये स्मॉल पोर्ट है जो की आपको चेक पॉइंट के साथ एक केबल आती है जो आप इस केबल के थ्रू आप लगा के इसको कंसोल ले सकते हो ठीक है तो ये कुछ एक चेक पॉइंट का बॉक्स है फिजिकल बॉक्स अगर आप देखेंगे तो चेक पॉइंट कुछ इस तरीके से दिखता है ठीक है ना कभी भी इट्स इट्स नॉट नॉट अ वेरी बिग बॉक्स बॉक्स एक्चुअली सीरीज आई एम श्योर द एग्जैक्ट नंबर बट दिस इज फोर थाउजेंड सीरीज बॉक्स इट्स अ नॉर्मल यू नो बॉक्स जो आप किसी भी लोकेशन वगैरह पर यूज कर सकते हैं ओके <coughs> नाउ okay. अब बात आती है कि चेक पॉइंट ठीक है हम चेक पॉइंट के वेबिनार में जुड़े हैं अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हमें चेक पॉइंट ही क्यों पढ़ने चाहिए ठीक है तो देखो पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि चेक पॉइंट पढ़ने से पहले ये एक गार्टनर की रिपोर्ट है जहां पे इन्होंने पब्लिश की है और इन्होंने मैंशन किया है रैंकिंग की ऑन द बेसिस ऑफ देयर विजन है ना हर एक फायरवॉल कंपनी का हर एक कंपनी का एक विजन होता है कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं है ना आफ्टर सेल सर्विस होती है मल्टीपल चीजें इंक्लूड करने के बाद ये क्या करते हैं एक रैंकिंग डिफाइन करते हैं हर एक वेंडर की तो ये जो रिपोर्ट है मेरे पास ये है नवंबर 2021 की ठीक है अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई नहीं है बट जो भी आएगी उसमें आई एम डैम श्योर कि जो चेक पॉइंट टेक्नोलॉजी होगी वो लीडर सेक्शन में ही होगी यू हैव थ्री वेंडर्स तीन वेंडर्स हैं आपके यहां पे लीडर सेक्शन में वन ऑफ देम देक पॉइंट ठीक है अगर मैं बात करूको की भी Cisco भी चैलेंजर्स में आता है लीडर्स में नहीं आता इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ठीक है तो अगर आप चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर को या चेक पॉइंट फायर को सीखते हो तो आप एक लीडर्स में से एक टेक्नोलॉजी को सीख रहे हो विच विल गिव यू है ना एक फ्री हैंड आपको मिलेगा जिससे कि आपको प्रमोशन में और मे बी आपके जॉब स्विच करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है और मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप पूछें जितने भी वेंडर्स यहां पे मेंशन हैं, जितने भी वेंडर वेदर दे आर इन चैलेंजर या फिर आप नीच प्लेयर में ले लें या फिर विजनर्स में ले लें जितने भी वेंडर्स यहां मेंशन हैं, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड अगर हम बात करें सबसे इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर हम बात करें तो वो चेक पॉइंट है ठीक है क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर है जो जी है वो बहुत ही बेहतरीन है बहुत ही सिंपल है जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उन कॉन्सेप्ट को रिलेट करना सॉफ्टवेयर में बहुत ही ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू अदर फायरबो अब ऐसा क्यों है थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है पहला कंफ्यूजन तो ये रहती है कि जो हम टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं क्या वो ठीक टेक्नोलॉजी है या नहीं है तो बिलीव मी यू आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ द लीडर सेक्शन टेक्नोलॉजी है ना लीडर्स में जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो आप पढ़ने वाले हैं सेकेंड थिंग सर्टिफिकेशन के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि सर्टिफिकेशन कैसे करना है क्या पाथ होता है ये हो तो ये सबसे पहला जो चेक चेक पॉइंट का सर्टिफिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड सी क्या होता है सीसीएस से दट इज स्टैंड फॉर चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप लेवल वन और लेवल टू के इंजीनियर की पोस्ट ग्रैप करना चाहते हैं या आप लेवल वन इंजीनियर सिक्योरिटी के फील्ड में बनना चाहते हैं या लेवल टू बनना चाहते हैं दिस सर्टिफिकेशन इज इनफ फॉर यू ठीक है आपको इस फील्ड में घुसाने के लिए सर्टिफिकेशन इनफ अगर आप एल टू लेवल पर काम कर रहे हैं आप एल थ्री लेवल का सपोर्ट देना चाहते हैं देन द सेकेंड सर्टिफिकेशन विल कम इन टू पिक्चर विच इज कॉल्ड CCSE चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एक्सपर्ट ठीक है दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेटर ये एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का सर्टिफिकेशन है ये एक्सपर्ट लेवल का सर्टिफिकेशन है और अगर हम बात करें जो हम ये कोर्स पढ़ने वाले हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हम सी सी एस ए प्लस सी सी एस सी दोनों ही कोर्स पढ़ने वाले हैं इस अपने सेशन में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले वीकेंड से और इन दोनों की जो कॉस्ट है वो हमने बहुत ही लेजिटिमेट रखी है दैट इज टेन थाउजेंड ठीक है रिगार्डिंग दिस यू कैन कनेक्ट विद मैनेजमेंट टीम इसके बाद एक ये विद्यूशन आता है वीएसएक्स एंड एमडीएस एमडीएस का मतलब होता है मल्टी डोमेन सर्वर एंड वी एस एक्स होता है वर्चुअलाइजेशन एनवायरमेंट ठीक है तो ये वी एस एक्स एंड एमडीएस इस कोर्स के पार्ट नहीं है बट मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा इन दोनों के बारे में भी सो so दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि एमडीएस क्या टेक्नोलॉजी है एंड वी क्या टेक्नोलॉजी है तो इट विल बी अ होल टूगेदर पैकेज फॉर यू ठीक है आप सीसीएससी एंड सीसीएससी के लिए एनरोल कर रहे हैं बट थोड़ा सा मैं जो अंडरस्टैंडिंग दूंगा इन दोनों के बारे में उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों टेक्नोलॉजी भी क्या है ठीक है तो ये तो थे बेसिक्स इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने सिलेबस पे जो हम इस पर्टिकुलर कोर्स में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले जो हम चीज डिस्कस करेंगे ये हमारे सीसीएस सी एस से एन का कंबाइंड कोर्स है सबसे पहले देखो हमने जैसे बोला है कि हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे तो बेसिक्स में सबसे पहले हिस्ट्री आती है ये किसी भी प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या है वो कैसे डेवलप हुई किसने डेवलप की राइट right? किस तरीके का उसका बिहेवियर रहा है कैसे वो इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे फिर उसका आर्किटेक्चर क्या है ठीक है पैकेट फ्लो क्या है पैकेट फ्लो बोले तो जब पैकेट हिट होता है फायरवॉल पे तो वो किस तरीके से फायर के अंदर फ्लो होता है और वो किस तरीके से फायरवॉल उसको टैकल करती है ठीक है फिर हम अपने लैब बनाएंगे किसमें वीएम वेयर पे और क्लाउड पे मैं आपको बताऊंगा लैब कैसे बना सकते हैं एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अपनी खुद की लैब बनाने में तो आई बी गिविंग यू सम एक्स्ट्रा लेक्चर्स मैं कुछ डाउट सेशन ले लूंगा आपके कुछ हेल्पिंग uh, सेशन लूंगा जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा वीएम और क्लाउड पे आपकी लैब बनाने में ठीक है, फिर मैं चेक जहां स्टैंड अलॉन डिप्लॉयमेंट के बारे में डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट के बारे में ये दो तरीके की डिप्लॉयमेंट होती है चेक पॉइंट में राइट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट कहां पे बेनिफिशियल होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पे बेनिफिशियल होता है ठीक है

घर बैठे अपनी लैब पे एक फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे फायरवॉल काम करती है उसके बारे में आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन मोड्स के थ्रू ले सकते हैं एंड दैट इज अ ब्रिलियंट फीचर ऑफ चेक पॉइंट बिलीव मी गाइज ओके नाउ उसके बाद हम कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस करेंगे पॉलिसीज़ के बारे में नेटिंग के बारे में ठीक है देखो पॉलिसीज हम हर एक फायरवॉल में बनाते हैं बट चेकपॉइंट के अंदर उसकी क्लासिफिकेशन है कि आप जैसे मैं बात करूं मैनेजमेंट रूल अब मैनेजमेंट रूल हर एक फायरवॉल में बनता है बट यहां पे आप सीखेंगे कि उस मैनेजमेंट रूल को हम बनाते क्यों हैं एंड किस तरीके से बनाते हैं क्या पर्पस होता है उसका ठीक है नेटिंग की मैं बात करूं इसमें हम ये मल्टीपल चीजें पढ़ने वाले हैं स्टैटिक नेट हाइड हाइड नेट एंड यूटन नेट नाउ यूटन नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि मैं ये समझता हूं कि बहुत कम यूज होता है मार्केट में बट इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो यूटन नेट है ये बनता है विद विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक नेट एंड द सोर्स नेट जब इन दोनों नेट्स को आप ऐड करोगे तो यूटर्न नेट बनता है बट कहां कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को तो ये हम बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लस्टर अब क्लस्टर से मेरा मतलब है कि कोई भी टेक्नोलॉजी है कि जैसे सिस्को मान लो आप या फिर फायरबॉल मान लो आईपीएस आईडीएस मान लो कोई भी है जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होते हैं हमेशा लोग प्रेफर करते हैं कि उनको हम एच में लगाएं या फिर क्लस्टर में लगाएं क्लस्टर में क्यों लगाएं ताकि अगर एक डिवाइस आपका फेल हो जाए या खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए उस डिवाइस के साथ तो आपका जो डेटा है जो ट्रैफिक है ऑर्गेनाइजेशन का वो ना रुके वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे इस वजह से हम क्या करते हैं क्लस्टर में डिवाइसेस को लगाते हैं अब चेक पॉइंट के अंदर हम बात करें तो मल्टीपल क्लस्टर मोड्स है फॉर एन एग्जाम्पल हाई अवेलेबिलिटी मोड क्लस्टर एक्सेल मेथड लोड शेयरिंग मेथड, मल्टीकास्ट मोड यूनिकास्ट मोड इन एच तो ये सारे मल्टीपल मेथड्स हैं जो हम अपने क्लस्टर की क्लास में थ्योरी प्लस लैब हम दोनों देखने वाले हैं इन सभी चीजों के ठीक है चेक पॉइंट फायरबॉल मॉनिटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको सीएलआई पे नहीं जाना है आपको फायरवॉल का हेल्थ स्टेटस देखना है उसका हार्डवेयर स्टेटस देखना है XYZ सारी चीजें देखनी है, तो आप कैसे देख सकते हो जी पे आई पे आप देख सकते हो फायर मॉनिटर के थ्रू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वहीं पे हमारा सेम रूल का भी कॉन्सेप्ट आता है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कब हम इसको एम्प्लाई करते हैं जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी डॉस या डी डॉस अटैक हो रहा होता है उस टाइम पे सैम डेटाबेस जो होता है सैम रूल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देन मैं आपको कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग कमांड्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप नोट करके एज अ के बी आर्टिकल रख सकते हो अपने पास एंड जब भी, भी कभी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है आप केबी आर्टिकल खोलकर इन कमांड्स को रन कर सकते हो एंड कुछ आउटपुट जो आएंगे मैं आपको रिलेट करना बताऊंगा कि किस तरीके से आप उनको रिलेट कर सकते हैं ठीक है चेक पॉइंट फार वैकअप बैकअपो किसी भी टेक्नोलॉजी में बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ बैकअप लाइक स्नैपशॉट एक बैकअप टाइप होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बैकअप टाइप होता है रिविजन कंट्रोल होता है तो इन सारे के इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में ठीक है देन हमारे पास आता है चेक पॉइंट पॉलिसी इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखो अगर मैं फायरवॉल की बात करूं तो उसमें हम पॉलिसीज से डील कर रहे हैं राइट और पॉलिसी कैसे डील कर, कर रहे हैं हम उनको इंस्टॉल कर रहे हैं पॉलिसीज को अपने फायरवॉल पे तो चेक पॉइंट के अंदर वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रीजन ताकि हम क्या कर सकें रीजन कि हम ये रिलेट कर सकें कि अगर हमारी कोई पॉलिसी फेल होती है तो उस वो किस पर्टिकुलर स्टेप पे फेल हो रही है और उसका क्या कारण हो सकता है ये रिलेशन हम कहीं ना कहीं बिल्ड कर सकें ठीक है देन उसके बाद मैं डीमंस के बारे में बताऊंगा कुछ आपको डीमंस क्या होते हैं डीमंस कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसिस होते हैं अगर मैं डीमंस की बात करू hmm. ओके okay. अगर मैं डीमंस की बात करूं तो डीमंस कुछ प्रोसेस होते हैं बिकॉज चेक पॉइंट की बात करूं तो इसका जो सॉफ्टवेयर है इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है गाया क्या बोलते हैं उसको दैट इज कॉल्ड गाया एंड ये गाया जो है ये किस पे बेस्ड है लाइनेक्स पे बेस्ड है और लाइनेक्स भी कौन सी रेड हैट ठीक है तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये लाइनेक्स बेस्ड है और लाइन किसका किसका रेडहेड बेस्ड है तो इसमें क्या होते हैं लाइनेक्स का एक फीचर बताता हूं मैं आपको इसमें ना स्मॉल प्रोसेस होते हैं इसमें स्मॉल प्रोसेस होते हैं जो कि किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं उन प्रोसेस को बोला जाता है डीम्स तो चेक पॉइंट में कुछ ऐसे डीम हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए जैसे मान के चलो आपको लॉगिंग नहीं आ रही है फायरवॉल पे तो उसके लिए एक सेपरेट डीमन है वीपीएन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वीपीएन डी डीमन है उसके लिए राइट अगर आपको फायरबॉल एक्सेस नहीं हो रहा है तो उसके लिए अलग डीमन है इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल डीमन तो उसके बारे में हम वेरी डिटेल डिस्कस करेंगे एंड उसकी वर्किंग भी हम देखेंगे कि उन डीमंस की वर्किंग क्या है ठीक है देन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी फील्ड की चाहे वो फाइबर सिक्योरिटी है या नेटवर्क सिक्योरिटी है अगर इन दोनों ही सिक्योरिटी फील्ड की अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है तो वो है वीपीएन कॉन्सेप्ट वीपीएन में दो तरह के वीपीएन होते हैं हमारे साइट टू साइट राइट right? या रिमोट एक्सेस वीपीएन इन दोनों के बारे में ही हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड विद लैब ठीक है ये जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं ये जो कोर्स होने वाला है इसमें जो हमारे 35 प्लस होने वाले हैं इसमें से अप्रोक्सीमेटली 20 आर्स जो होने वाले हैं वो आपकी लैब होने वाली है रेस्ट आपके जो फिफ्टीन आर्स प्लस होने वाले हैं वो आपकी थ्योरी होने वाली है सो so, हमारी अप्रोच क्या रहेगी विल पिक वन टॉपिक हम एक टॉपिक को पकड़ेंगे पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे ठीक है एंड आफ्टर द थ्योरी विल परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ इट इमीडिएटली हम उसको डिले नहीं करने वाले ठीक है सो दैट हमारा बैलेंस दोनों में बना रहे उसके बाद चेक पॉइंट के अंदर कुछ एक्सीरेशन टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप फायरवॉल की परफॉर्मेंस को एक्सीलरेट कर सकते हो जैसे एक्सिलरेशन में बोले जाए तो सिक्योर एक्सेल क्लस्टर एक्सेल कोड एक्सेल ये तीनों ही जो टेक्नोलॉजीज हैं ठीक है ये तीनों ही जो टेक्नोलॉजीज हैं ये चेक पॉइंट ने डेवलप की हैं और चेक पॉइंट की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हैं अगर मैं बात करूं इन तीनों की ही तो ये तीनों ही चेक पॉइंट ने डेवलप की हैं और पेटेंटेड हैं और ये तीनों ही हेल्प करती हैं चेक पॉइंट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की हम इनकी इनेबलमेंट चेक करेंगे कि हम कैसे इनेबल कर सकते हैं इसको प्लस हम ये भी चेक करेंगे कि इनमें ट्रबल शूटिंग किस तरीके से कर सकते हैं ठीक है देन कर्नल लेवल अंडरस्टैंडिंग हम देखेंगे चेक पॉइंट फायरवॉल की कर्नल लेवल अंडरस्टैंडिंग क्या है पैकेट मतलब फायरवॉल के अंदर कैसे कर्नल्स हैं किस तरीके से पैकेट फ्लो होता है किस तरीके से चीजें फ्लो होती हैं इंस्पेक्शन कैसे होता है ये सारी चीजें हम चेक uh, पॉइंट देखेंगे उसके बाद कुछ हमारे लेयर सेवन इंस्पेक्शन आते हैं जो कि हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर देखिए आप आप लोग जानते हैं कि लेयर सेवन फायर है ठीक है नेक्स्ट जनरेशन फायर वोल्स नाउ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स क्या होती हैं वो क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं तो ये सारे जो फीचर्स हैं जैसे एस इंस्पेक्शन हो गया जैसे यूरल फिल्टरिंग हो गया ठीक है जैसे कंटेंट uh, अवेयरनेस हो गया एसएसएल डिक्रिप्शन हो गया ये सारी चीजें क्या है ये सारी चीजें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के फीचर्स से लेयर 7 इंस्पेक्शन है ओएसआई मॉडल की लेयर सेवंथ जो होती है वहां पे ये सारी चीजें इंस्पेक्ट होती है चेकपॉइंट फायरवॉल में ठीक है उसके बाद हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलडप इंटीग्रेशन देखेंगे अपने कोर्स में जो कि एक ऑपरेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो गाइज ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सिलेबस का जो टॉपिक्स हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं ठीक है Now, हम चलते हैं अपने फायरवॉल पे और हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन नाउ हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया चेक पॉइंट जो चेक पॉइंट है वो जोन बेस्ड फायरवॉल क्यों नहीं है राइट right? किसी को पता है कि जोन क्या होते हैं फायरवॉल्स के अंदर hmm? आप लोग चैट में बता सकते हैं मुझे फटाफट गैस किसी को भी पता है व्हाट आर जोन ऑल राइट ओके ठीक है देखो जो हमारी अदर फायर वॉल्स हैं उसके अंदर क्या है कॉन्सेप्ट है जोन्स का किसका जोन्स का जोन्स क्या होते हैं जोन्स वो होते हैं जो डिफाइन करते हैं सिक्योरिटी इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरफेस मान के चलो ये मेरी एक फायरबॉल है ठीक है ये मेरी क्या है एक फायरबॉल है एंड ये फायरबॉल क्या करती है आपकी नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो इस फायरबॉल में जो लेफ्ट साइड इंटरफेस है लेट सपोज ये जो इंटरफेस है ये है लैन इंटरफेस ठीक है जो राइट साइड इंटरफेस है वो है वैन इंटरफेस जो जो दो जो बिलो इंटरफेस इंटरफेस, है, ठीक है, मिलिटराइज जोन जो होता है ठीक है Now, अगर मैं बात करूं डीएमजी इंटरफेस की और जोन कॉन्सेप्ट की बात करूं अगर आपने एक अदर फैरो की बात कर रहा हूं मैं अगर आपने एक डीएमजी जोन बनाया ठीक है एंड ये इंटरफेस वन है ये टू है ये थ्री है लेट सपोज एंड जोन में अगर आप इंटरफेस को टू को डाल दिया तो इस डीएमजी जोन में इंटरफेस टू इंक्लूड हो जाएगा और बिकॉज़ ये ज़ोन इस वजह से इस इंटरफेस पे जो सिक्योरिटी लेवल होगा वो हाइएस्ट होगा ठीक है ये क्या होगा हाईएस्ट होगा ऐसे अगर मैं बात करूं वैन इंटरफेस की बिकॉज ये वैन इंटरफेस होगा तो यहाँ पे लोवेस्ट होगा क्यों क्योंकि ये पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है इंटरनेट की साइड इंटरफेस है ये ठीक है तो कोई भी इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आके इस इंटरफेस पे हिट कर सकता है इस वजह से इसकी जो सिक्योरिटी होगी वो लोवेस्ट होगी ठीक है बट ये जोन कॉन्सेप्ट जो है वो चेक पॉइंट में है ही नहीं चेक पॉइंट इज नॉट अ जोन बेस्ड फायरबॉल रीजन इसका रीजन क्या है देखो अगर मैं इसके रीजन की बात करूं चेक पॉइंट कहता है कि मान के चलिए ये आपका चेक पॉइंट का बॉक्स है इसको आप डिवाइड कर दो तीन पार्ट्स में लाइक दिस जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलेंगे आप कर्नल मोड क्या बोलेंगे कर्नल मोड जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोले बोलेंगे आप यूजर मोड क्या बोलेंगे यूजर मोड पे आपका इंटरफ़ेसेस हैं मान के चलिए दिस इज योर इनसाइड इंटरफ़ेस दिस इज़ योर आउटसाइड इंटरफेस ठीक है तो ट्रैफिक मान के चलो आपके इनसाइड से आ रहा है तो ये यह यहां से सबसे पहले कहा इंटरप्रिटेड होगा कर्नल मोड पे कर्नल मोड में आपकी सारी टेबल्स अगर मैं बात करूं लेयर टू टेबल लेयर टू टेबल क्या होती है मैक टेबल राइट लेयर थ्री टेबल लेयर थ्री टेबल क्या होती है आर्प टेबल uh, या फिर राउटिंग टेबल ठीक है स्टेट स्टेट टेबल राइट बिकॉज जो नेक्स्ट जनरेशन फायर हैं एनजीएफडब्ल्यूज़ हैं वो क्या करते हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन करते हैं राइट right? state table because stateful inspection hoti hai inke andar theek hai to ab ye sari jitni tables hain l2 l3 and even l4 table in case uh, in case it's becoming like uh, your po details ये सारी सारी kahan maintain होंगी? layer 2 layer 3 layer 4 and state table

तब ये जो ट्रैफिक है ये पास किया जाएगा कहां पे आपके यूजर मोड पे एंड कौन पास करेगा इसको ये पास करेगा आपका कर्नल मोड यानी कर्नल मोड आपका यूजर ट्रैफिक भेजेगा कहां पे यूजर मोड को कि भाई इस पर्टिकुलर पैकेट पे आपको लेयर सेवन इंस्पेक्शन करनी है लेयर सेवन इंस्पेक्शन कौन सी हो सकती है यूआरएल फिल्टरिंग एच इंस्पेक्शन कंटेंट फिल्टरिंग है ना ये सारी चीजें कहां यूजर मोड पे ये सारी चीजें चेक होंगी अगर इन सारी चीजों को चेक करने के बाद ट्रैफिक आपका अलाउ होता है तो दिस ट्रैफिक विल कम्स बैक टू योर कर्नल मोड ये वापस आ जाएगा ट्रैफिक यहां पे कर्नल बोर्ड पे एंड वापस आने के बाद ये आउटसाइड इंटरफेस से निकल जाएगा एंड ये जो आर्किटेक्चर है चेक पॉइंट का हार्डवेयर आर्किटेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ दिज मोड्स चेक पॉइंट हमेशा कहता है कि आपको जोरमेंट ही नहीं है क्यों क्योंकि से आप कर क्या रहे हो सिक्योरिटी को इंक्रीज कर रहे हो सिक्योरिटी लेवल को इंक्रीज कर रहे हो आप मल्टीपल अटैक्स को डिफाइन कर रहे हो है ना मान के चलो आप कह रहे हो कि होगा तो मेरे डीएमजी इंटरफेस तो हो ही नहीं सकता राइट right? बिकॉज बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी लेवल है इसका अब चेक पॉइंट कह रहा है कि अगर इन केस आपने सिन अटैक कर भी दिया मेरे डिवाइस पे आपने डॉस अटैक कर भी दिया मेरे डिवाइस पे तो वो कहां पे होगा कर्नल मोड पे होगा ठीक है कर्नल मोड पे डॉस अटैक हुआ आपने कर्नल मोड को फुल्ली क्या कर दिया ड्रॉप कर दिया या मतलब ये आप ये मान लो इसकी पूरी जो हार्डवेयर की चीजें हैं मेमोरी है, है सीपीयू सब उसने इसको आपने 100% पहुंचा दिया बट मेरा जो यूजर मोड होगा वो अभी भी अनटच्ड होगा मैं कभी भी इस यूजर मोड पे लॉग इन कर सकता हूं मैं एक रूल बना सकता हूं कि भाई जिस सोर्स सोर्स से से मेरे पास अटैक्स आ रहे हैं उस से सारा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए और जैसे ही मैं रूल पुश करूंगा ये जो मेरे ब्लॉकेज आपने क्रिएट करी है वो इमीडिएट क्या हो जाएगी अनब्लॉक हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस मुझे जोन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है एंड बिलीव मी गाइज आप बिलीव नहीं करोगे ये जोन्स के कॉन्सेप्ट ना होने के कारण चेक पॉइंट इज वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड आपको इतना मजा आने वाला है इस पर्टिकुलर कोर्स में कि आप बिलीव में नहीं कर सकते बहुत ही इजी है ये सारी चीजें इसे कॉन्सेप्ट इनिशियली जो फोर टू फाइव लेक्चर्स होंगे अगर आपने उस पर हंड्रेड परसेंट अटेंशन दे दी दैट मींस आपने थर्टी परसेंट जो बैटल है चेक पॉइंट की ऑलरेडी अचीव कर ली है आपको बस उसके बाद रिलेशन बिल्ड करना है टॉपिक्स को लेके वन बाय वन एंड यू आर गुड टू गो ठीक है अब ये चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई आप मैं आप लोगों को परमिशन दे रहा हूं अनम्यूट करने की यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क द डाउट अगर इस पर्टिकुलर सेटअप में आपको कुछ डाउट है तो किसी को भी आप अनम्यूट कर सकते हो कैन यू रिपीट अगेन जोन इज नॉट रिक्वायर्डेन बिकॉज चेक पॉइंट अगर मान के चलो आप जोन क्यों चाहिए आपको ताकि आप सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज कर सको राइट right? आप डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स को डिफेंड कर सको राइट right? इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए बट चेक पॉइंट यह कहता है कि अगर मान लो मेरे फायरवॉल पे अटैक हो भी जाता है तो वो कहां आएगा इन से आया आउटसाइड से आया तो पहले कौन इंटरसेप्ट करेगा कर्नल मोड इंटरसेप्ट करेगा उसको अब कर्नल मोड मान लो आपनेटैक भेज दिया ठीक है सिन फ्लड अटैक में क्या होता है बिलियंस ऑफ पैकेट्स आते हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर चलो right? कर दिया नॉट रिस्पॉन्सिव बट माई यूजर मोड जो यूजर मोड है मेरा अभी भी अनटचड है बिकॉज कर्नल मोड जो सिन फ्लड होगा सिन में कोई डेटा नहीं होता जब डेटा नहीं होता सिन में सिन रिक्वेस्ट जो होती है तो क्या होगा वो एल सेवन इंस्पेक्शन के लिए भेजेगा ही नहीं उसको यूजर मोड के पास तो यूजर मोड मेरा क्या है Untouched है अभी भी मैं किसी भी टाइम यूजर मोड पे लॉग इन करके एक रूल बना सकता हूं एंड एक रूल जैसे ही मैं पुश करूंगा इमीडिएटली ये फ्लड क्या होगा चला जाएगा ओके यू मीन जस्ट जोन जोन इसके लिए से इसके लिए बनाया जाता है कि बस सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज करना है दैट्स इट और अगर हाँ, आप जोन जो, हाँ, आ, अगर आप जोन का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो जोन का कॉन्सेप्ट जो दूसरे फायरबॉल्स में है वो मेनली ये है जैसे अगर अब मैं बात करूं सिस्को सिस्को में अगर आप इंटरफेस को डीएमजी लेवल बनाते हो डीएमजी इंटरफेस बनाते हो तो उसकी ना तो हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल होते दिरुण हैं दिरुण मतलब जीरो हाँ, मतलब हंड्रेड होते हैं उसके राइट अगर आप उसको वैन इंटरफेस देते हैं तो उसके जीरो सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं है ना तो सिक्योरिटी okay. लेवल्स को हम मैनेज करने के लिए तो देखो जोन्स के कॉन्सेप्ट okay. तो, yeah. हाँ, आपको चाहिए ही नहीं चेक पॉइंट में अगर आपको स्टिल रिक्वायर्ड है का तो आप चेक पॉइंट को भी एज ए जोन बेस्ड फायरवॉल कन्वर्ट कर सकते हो बट आपको चेक पॉइंट के साथ चाहिए ही नहीं ये कॉन्सेप्ट

राइट आप उस डेस्टिनेशन यू, 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 यूजर मोड में जो होगा हो हाँ, हो बट मैं अगर कोई पॉलिसी बनाता हूं तो वो मैं यूजर मोड के थ्रू बनाऊंगा एंड उसको मैं पुश करूंगा कर्नल मोड पे अगर डेटमीन तो की सर आप बोल रहे हैं जैसे यूजर मोड पे जो पॉलिसी आप बनाएंगे तो वो जो वो हाँ, से हाँ, okay. Okay, तो हाँ, तो सेम पॉलिसी है वो कर्नल मोड पे भी वर्क राइट बिल्कुल 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 ओके 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 सेम में जोन बेस नहीं होता तो सेम पॉलिसी हम वहां भी बना सकते हैं और पुश कर सकते पॉलिसी सिमिलर ही बनेगी पॉलिसी एक ही बनेगी अगर इस पॉलिसी में लेवर लेयर सेवन इंस्पेक्शन इंक्लूडेड है तो तो वो पॉलिसी यहां पे भी ऐड होगी और यहां पे भी ऐड होगी अगर लेयर सेवन इंस्पेक्शन नहीं इंक्लूडेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे इंक्लूड होगी ओके सर ठीक सो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क हेलो सर ये इमरान सॉरी सर सर मैंने ना पांच मिनट देर से ज्वाइन किया था तो सर मेरा एक है sir, ये कोर्स जो sir, होगा सर इसकी टाइमिंग्स और ये ये इसके बारे में sir, कुछ sir, प्लीज बता दें, sir, कि बजे तो, बजे से लेके तक टाइमिंग है वीकेंड में शाम okay. के चार से लेके बजे दो घंटे की क्लासेस होंगी इसकी ओके okay. हाँ, सैटरडे को सैटरडे संडे को भी ओके अच्छा सर आपने एक एक बात और बताई सर ये सी सी एस ए CCS, की और सी सी एस सी की सर और फिर आपने कुछ सर वो इंडक्शन uh, दिया उसका जो हायर टॉपिक से सर ये चेक पॉइंट में सर हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं अगर कोई मतलब इसको एज ए करियर अडोप्ट करना चाहे तो मैक्सिमम सर कहाँ तक जा सकते हैं आप इसमें V.S.X and M.D.S तक CCSC के बाद आपको एक फील्ड चूज करनी पड़ेगी M.D.S सर्टिफाई होना चाहते हो आप या V.S.X होना चाहते हो आप दोनों भी हो सकते हो कोई दिक्कत नहीं है okay. तो, तो सर इसमें इसके लिए सर क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है सर अगर हम आपसे आपके साथ ही मतलब एक ही इंस्ट्रक्टर से वो करना चाहे कोई कैंडिडेट से फॉर एग्जांपल मैं हूँ हाँ। तो मैं आ, आगे तक करना चाहता हूँ तो सर आ, आ, आप, आपके साथ ही कर सकता हूँ uh, बिल्कुल बिल्कुल ads? बिल्कुल नॉट अ प्रॉब्लम देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो इन दोनों की मैं दे ही दूंगा आपको ठीक है और रिकमेंडेशन भी देखो मैं इस फील्ड में अप्रोक्सीमेटली मुझे नाइन प्लस इयर्स का तो एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री में ठीक है मैं फाइव प्लस ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ ठीक है तो एज पर इंडस्ट्री आपको इनिशियल डेज में इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है Okay, आप sir. अगर सी तक की नॉलेज लेते हो, हो, in अगर आप आप इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट करते हो, आप पांच साल या फिर तीन साल करके देखो, अगर आपको आपको लगता है कि एमडीएस चाहिए या चाहिए, तो आप इसको भी कर लो सर ये जनरल एक, 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 एक क्वेश्चन में काम करता हूँ वहां पर ना सर मैं सिर्फ क्या करता हूँ जो नेट और सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है ना सर वो ही बस मैं लगाता रहता हूँ जी सर लेकिन सर उनके पास एक रिक्वायरमेंट आई है और वो इज वेरी गुड सर वो क्या करें वो गाया जो है ना आर सेवन सेवन से सर वो लेटेस्ट के ऊपर फायर वॉल्स को माइग्रेट कर रहे है तो सर मैं मैं ये चाह रहा हूँ नॉलेज तो मैं उस उस पोजीशन के ऊपर सर मूव uh, ऑन हो, हो सकूं जो हमारा जो हमारा बैकअप वाला पार्ट है ना जी सर अभी हमने आ, सलेबस में बैकअप देखा था ना उसमें एक टॉपिक था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ओके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैं दिखा देता हूं आपको बैकअप ये रहा इसमें अगर आप देखोगे ऊपर जाओगे बैकअप 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 हेयर इट इज चेक पॉइंट बैकअप आपको देखे ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जी जी सर जी सर ये yeah. इस पर्टिकुलर थिंग को आप फॉलो करोगे वहां पे माइग्रेशन के लिए तो आपको okay. आपको आपको जब ये हम बैकअप वाला पार्ट डिस्कस करेंगे उस टाइम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये माइग्रेशन करनी है दैट इज कम्स अंडर द माइग्रेशन इन द सेम वेंडर मतलब आप सेम चेक पॉइंट से ही चेक पॉइंट में जाना चाहते हो बट आपको मेजर वर्जन चेंज करना है राइट तो उस केस yes, में ये चीज काम आएगी आपके जी सर सर वो अक्सर मैं देखता हूँ सर वो फिक्सेस और पता नहीं क्या क्या सर उसकी काफी डिफिकल्टी उसकी वो टैक की कमांड्स होती हैं जो सीएलआई पे जाके वो एग्जीक्यूट करते हैं जाके फिर अंदर वो उसको मुख्तलिफ जो उसकी डायरेक्टरीज होती है उसमें से लॉग्स देखते हैं उनको और फिर वो शूट करते हैं तो इसीलिए सर बिल्कुल बिल्कुल देखो स्मार्ट अपडेट मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये जो है ना ये स्मार्ट अपडेट के अंदर ही आपको मिल जाएगा क्या जो आप हॉट फिक्सेस बता रहे हो ना उसकी मैं देखो हम ऑलरेडी ना आर एटी वन को यूज करेंगे अपने लैब्स में तो आर एटी वन से ऊपर कोई अपग्रेड तो है नहीं तो मैं आपको रियल टाइम अपग्रेड दिखा नहीं सकता यहाँ पे बट मैं आपको इनफ नॉलेज दूंगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है अपग्रेड को हॉट फिक्सेस को किस तरीके से आप इम्पोर्ट कर सकते हो हॉट फिक्सेस होते क्या है और किस तरीके से आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो ओके सर ओके सर और सर इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ वीपीएन जो है सर अब सर ये सर लोग लो, जो है बहुत सारे यहाँ पर अब्रॉड फॉरेन में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं Hmm. Sir, वो अक्सर इंटरव्यूज़ में ना का ज़्यादा स्ट्रेस देके पूछते हैं कि ऑलरेडी कवर कर लिया साइड साइड टू एंड रिमोट एक्सेस जी दोनों ही टॉपिक में बहुत डिटेल में और विद लैब हम डिस्कस करने वाले हैं जी सर बस ठीक थी, थी, ठीक है सर थैंक यू वेरी मच सर दैट्स ऑल माय माई थैंक यू सो व्हाटएवर यू टॉपिक्स नीड एज पर इंडस्ट्री वी ऑलरेडी यू Thank you, Imran. Yes, please. Uh, sir, I have a question. Mm -hmm. uh, so, what will be the certification path and what will be the cost, uh, cost for the CCSA and CCSE? Uh, See, certification path is this one which is mentioned in front of you. Okay. okay. The first thing you need to do your CCSA, and then okay. you need to do CCSE. Okay. एंड ये जो सी सी एस ए है ये अप्रोक्सीमेटली टू फिफ्टी डॉलर का कॉस्ट करेगा आपको एंड सीसीएसिमेटली टू हंड्रेड डॉलर कॉस्ट करेगा आपको sure अगर ये चीजें इंक्रीज हो गई हूँ बट पता है क्या आपने अगर सी सी एस ए की ट्रेनिंग करी है मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि पहले आप जॉब करो

ओके okay. ठीक है आप कंपनी को बोलो कि मेरा सीसीएस का सर्टिफिकेशन करवाओ दैट विल कॉस्ट यू अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज तो आप ये उनसे करवाओ इंस्टेड ऑफ कि आप खुद जाके पे करो उनके लिए इसके लिए ठीक है तो आप अगर कंपनी में एक साल काम करते हो तो सीसीएस से यू कैन सर्टिफाइड एंड अगर आप सीसी साल काम करते हो तो अगले साल आप सीसीएस भी कर सकते हो

Or do we require routing switching knowledge see routing will be routing will be everywhere if you talk about you know um, firewall if you talk about any of the technology you if the traffic is coming on that firewall to route that traffic you need to do the routing right but yes, in checkpoint i'll i'll teach you how to work with checkpoint with base basic routing ओके okay. आप या, आप यहाँ पे ओ भी यूज कर सकते हो बीजेपी भी यूज कर सकते हो इट्स अप टू यू बट मैं जो आपको दिखाऊंगा वो बेसिक राउटिंग के साथ कैसे आप परफॉर्म मतलब चेक पॉइंट को डिप्लॉय कर सकते हो कैसे यूज कर सकते हो कैसे मैनेज कर सकते हो दैट आई आई शो यू ओके थैंक यू सर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड थैंक यू सर थैंक यू हेलो सर गुड इवनिंग प्रदीप हियर यस प्रदीप गुड इवनिंग या सर uh, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो मुझे जानना है कि लैब्स जो है ये हमें हमारे लैपटॉप पे करना है या आपके पास इधर यू कैन सेटअप लैब ऑन योर लैपटॉप ओके या okay. फिर आप क्या कर सकते हो गूगल uh, जीसीपी पे अपना अकाउंट बना सकते हो जिसमे okay. आपको अप्रोक्सीमेटली टू फिफ्टी डॉलर मिलेंगे तीन महीने के लिए यूज करने के लिए

राइट। इट्स नॉट सर्टेन कि वो किस लेवल के इंजीनियर उसको तो 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 यूज करेंगे अभी okay. कुछ टाइम लगेगा उसको डिप्लॉयमेंट में आने में इंडस्ट्रीज में ठीक है एक बार okay. वो डिप्लॉयमेंट में आएगा दो चार जगह मैं भी ट्रबल शूटिंग के लिए जाऊंगा मैं भी एक्सपीरियंस करूंगा किस तरीके के बंदे उसको यूज कर रहे हैं अगर जो तो वो एल uh, या फिर एल प्लस और या तो एल टू एल टू और एल टू प्लस इंजीनियर एड मतलब यूज कर रहे होंगे तो डेफिनेटली मैं उसको आपको बताऊंगा फ्रॉम द नेक्स्ट बैच और नेक्स्ट नेक्स्ट बैच ऑनवर्ड बट राइट नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड ओके ओके थैंक यू सर

तो उधर यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड इज एबीसी123 सी बाय डिफॉल्ट तो वो एडमिन एडमिन रहता है बट सर वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा सर एडमिन एडमिन आपको 90 सेकंड्स वेट किया आपने 90 सेकंड्स के बाद ट्राई किया उसको सर मल्टीपल टाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ yeah. जब आपने उसको start किया, start करने के 90 बाद वो पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा क्योंकि में ना, कर रहे होते हैं जब okay. तक सारे वो नहीं हो जाएंगे, तब तक आपका पासवर्ड नहीं चलेगा अगर आपको सिर्फ चेक पॉइंट की बेसिक लैब करनी है और आपके पास एट जी रैम है तो आप अप्रोक्सीमेटली सारी सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर क्लस्टर क्लस्टर एंड आई वुड से आल्सो क्लस्टर एंड को छोड़ के आप सारी लैब एट जीबी पे परफॉर्म कर सकते हो आप अगर आपके पास एट जीबी से ज्यादा रैम है बारह जीबी सोलह जीबी तो आप सारी लैब्स परफॉर्म कर सकते हो नॉट अ प्रॉब्लम ठीक है सर मैं एक बार ट्राई करता हूं. बिल्कुल थैंक यू थैंक यू अनिश एनीवन एल्स एनी डाउट बेटा सर कैन यू जस्ट शेयर आप ऑल स्क्रीन बैनर वाली स्क्रीन शेयर कर दीजिए बिल्कुल 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 ओके okay, सर ये हमारा हमारा बैच ये शुरू हो रहा है अगले हफ्ते से जिसको एनरोलमेंट करनी है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जी सर हेलो

फ्यूचर में अगर वही कह ग्रुप में आप ऐड रहोगे वो ग्रुप डिलीट नहीं करते हम लोग तो आप जब भी काम करोगे आप उसमें क्वेश्चन डाल सकते हो ग्रुप में अच्छा दूसरा अगर हम अब मतलब ये करना चाहें तो दो, दो, मतलब किसी एग्जिस्टिंग क्लास में जॉइन नहीं कर सकते फिर से एडमिशन करना पड़ेगा तो जैसे मान लो जस्ट होल्ड हिसाब से वो रीबैच के लिए पूछ रहे हैं वो नहीं सर वो ऐसा रहता है मान लो आपने एक क्लास कर इसका सब मिस हो गया तब आप कर सकते हो अगर पूरी क्लास कर दी तो आपको भी फायदा नहीं होगा हमें भी फायदा नहीं होगा तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं लगता क्योंकि हमारा ग्रुप रहता ही है सपोर्ट रहता ही है तो आप वही रह सकते हो उसी ग्रुप में व्हाट्सएप में आप हमारे ट्रेनर्स अवेलेबल हैं क्लासेस और वी कैन uh, हम हमारे लाइफ टाइम वीडियोस ऐसा।, ऐसा नहीं है कि क्लास कर लिया अभी 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद मुझे काम आ रहा है तब मैं कुछ भूल रहा हूं फिर मैं चाहता हूं कि वही कह रहा हूं वीडियोस मिलेगी आपको लाइफ टाइम आपको लाइफ टाइम वीडियोस मिलेगी सॉरी लाइफ टाइम वीडियोस मिलेगी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस रिकॉर्डेड वीडियोस लाइफ टाइम मतलब एनी टाइम यू कैन एक्सेस एंड चेक हां जी हां जी हां जी हां जी ओके okay. और अगर कुछ डाउट हुआ देन वी कैन आस्क हियर यस यस हां आप वीडियो okay. देख सकते हो स्पेसिफिक टॉपिक हमारा की हमारा पूरा सपोर्ट रहता है सर हमारा एक्सेस हमको कैसे मिलेगा एक बार एडमिशन ले लिए तो इट विल बी एक्सेसिव राइट हां जी हां टेंशन मत लीजिए सर हमारा ये हर एक बैच में ऐसे ही रहता है इवन हर एक इंस्टीट्यूट में यही रहता है

नहीं नहीं ए बी सी डी ओके 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 प्रशांत आप ना उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा जो बैनर पे दिख रहे हैं आपको शायद थोड़ा डाउट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हम आपको हेल्प करते हैं अगर शायद थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो तो हम पूरा सपोर्ट देते हैं कि में आपको कॉल कर लेना आप सर मैं बना नहीं सकता आपको थोड़ा प्राइस क्या है सर तीन नंबर है सर तीनों